किंतु उसके हृदय में धर्म बसता है पुत्र। इतने वर्षों के अंतरिक्ष मैंने उसका संघर्ष देखा है। वो जानता है वो जिस पक्ष में है वहां धर्म और सत्य दोनों ही नहीं। यदि हमारे पक्ष में आ जाए तो उसकी आत्मा जाग जाएगी। कृष्ण नहीं बुआ, नहीं। वास्तव में उनकी आत्मा जागेगी तब तब वो हमारे पक्ष में आएंगे। और ये कार्य आपको करना होगा। कई बार उसे कहने का प्रयत्न किया कि वो मेरा पुत्र है, कि तो कभी सवेरे साथ नहीं दी, कभी साहस ने साथ नहीं दिया। अब क्या वो लेकर जाऊंगे उसके पास? इस प्रकार ये बात मानेगा वो? तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा है पुत्र। तुम ही मेरी भूल को क्षमा कर सकते और मेरी ओर से क्षमा भी मांग सकते। एक बार जाकर प्रयत्न करो जिससे उसके धर्म का रक्षण हो। जो धर्म का रक्षण करता है उसका रक्षण धर्म करता है। मैं तो अंगराज कर्ण को केवल उनका धर्म स्मरण दिला सकता हूं बुआ। आप कह रही हैं प्रयत्न अवश्य करो। प्रणिपात माता। प्रणिपात। आपके नाम से अंगराज कर्ण राधेय नाम से समग्र आर्यवर्त में प्रसिद्ध है। अंगराज कर्ण के हृदय में धर्म दृढ़ करने के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। ये मेरी पराजय है कि मेरा पुत्र अधर्मियों का साथ दे रहा है। मेरा पुत्र तो हंस था, ना जाने कौओं के मध्य में क्यों वास कर रहा है। क्योंकि कदाचित वो जानते ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है। आप कर्ण से मिलने आए हैं, परंतु वो तो यहाँ वास नहीं करता। अंगराज तो राजभवन में ही वास करते हैं वासुदेव। ज्ञात, और ये भी ज्ञात है कि वो आज यहाँ अवश्य आएंगे। जिस प्रकार धूप से त्रस्त पक्षी वृक्ष की छांव में ही बैठता है सदा, यदि अंगराज अधर्म से पीड़ित तो वो यहीं आएंगे, जहां उनके परिवार ने उनके